छात्रों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। इसमें से कोटा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,32,000 छात्रों ने भाग लिया था। अब देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 15% सीट पर ऑल इंडिया रैंक और 85% सीटों पर स्टेट रैंक के छात्रों ने बाजी मारी है, चयनित किए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के नतीजे घोषित हुए हैं और ये नतीजे कोटा के लिए फिर एक बार खुशखबरी लेकर के आए हैं और नतीजों के साथ में कोटा ने फिर से जो अपनी बादशाहत है वो बरकरार की है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है क्योंकि नतीजों ने मुंह मीठा कराने का मौका दिया है। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट हैं तो वहीं टॉप 100 में 51 स्टूडेंट हैं जो अब तक क्लियर हुआ है, जो अब तक नतीजे आए हैं। और ये अपने आप में जो ये नतीजे आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि कोटा जो कोचिंग का सिरमौर है वो फिर से अपने आप में साबित हुआ है। ये बेहद खास नतीजे कहे जा सकते हैं कोटा के लिहाज से, क्योंकि अपने आप में कम नहीं होता कि टॉप 10 में 6 स्टूडेंट एंड टॉप 100 में 51। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि कोटा आधारित कोचिंग एलन से 10 में से 6 और 100 में से 51 बच्चे अभी तक के रिजल्ट में हमारे आए हैं। और अभी कुछ बच्चों की जानकारी अभी बाकी है, रिजल्ट अभी टेस्टिंग में चल ही रहा है तो समय लगेगा काफ़ी पूरा रिजल्ट चेक करने में हमें। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि रैंक में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेसिकली, लेकिन कुल मिलाकर के अगर पूरी तरह से देखा जाए तो रिजल्ट पहले से बेहतर आ रहा है। के बारे में बताइए कि क्या क्या रिजल्ट अभी तक 51 बच्चे हम लोगों को पता पड़ चुके हैं जो टॉप 100 में हैं और ये अभी बढ़ने की संभावना है क्योंकि हम लोग अभी रिजल्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। टॉप 10 का क्या? टॉप 10 में अभी तक 6 बच्चे हम लोगों को पता चल चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन बच्चों के चेहरे पर वाकई में मुस्कान है क्योंकि जो इन्होंने मेहनत की थी, जिस तरीके से तैयारी की थी, उसका सफल परिणाम आ चुका है। और नीट में कुल मिलाकर कहा जाए कि टॉप 10 में 6 बच्चे, 6 छात्र, 6 स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर अगर 10 में से 6 सिर्फ इसी कोचिंग और इसी हब के बच्चे आते हैं तो अपने आप में ये दिखाता है कि वाकई में यहाँ पर जो एजुकेशन का माहौल है, शिक्षा का माहौल है, कैसे सबसे सर्वोपरि है। और कहा यह भी जा रहा है, जो अब तक पूरे आंकड़े सामने आ गए हैं, कि टॉप 100 में 51 बच्चे सिर्फ कोटा में जो पढ़ाई करते हैं, कोटा में रहकर कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, वो बच्चे हैं। और ऐसे में कोटा ने एक बार फिर से सबको पीछे छोड़ दिया है, ये दिखा दिया है कि वाकई में कोटा को क्यों एजुकेशन हब कहा जाता है। और यही भारत का अगला भविष्य है जहां से बच्चे निकलेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में वाकई में पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन कोटा इस वक्त सबसे टॉप लेवल पर है एजुकेशन प्रिपरेशन के मामले में, खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने आप में बिल्कुल यहां पर पारंगत होकर निकलते हैं। और हर साल ये देखा जाता है कि चाहे पीएमटी हो, सीपीएमटी हो, नीट हो, दूसरे मेडिकल परीक्षाएं हो, उनमें यहां के बच्चे अव्वल आते हैं, उनका दबदबा होता है। तो नीट में कोटा का जलवा एक बार फिर से देखा गया है। तस्वीरें आप देखिए, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा है, आखिर हो भी क्यों ना। इन्होंने मेहनत की थी, इनके जो यहां पर गुरु हैं, जो टीचर हैं, जो उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करवाई थी, एक लगन, एक शेड्यूल और एक प्लान के तहत जो तैयारी होती है सिलेबस को ध्यान में रखकर, उसी का परिणाम होता है कि इतना शानदार रिजल्ट कोटा का हर बार आता है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, वाकई में कोटा ने वो फतह की है, इस तरीके से झंडा गाड़ा है पूरे देश में, 10 में से टॉप 6 वो बच्चे, 10 में से 6 बच्चे जो वाकई में अपने आप में बहुत प्रतिभाशाली हैं, 100 में 51 बच्चे, कोटा का मुकाबला है या नहीं किसी के पास? संजय देखिए, ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अब 51 नहीं 52 बच्चे हो गए हैं। और ये यहां पर अब से कुछ देर बाद बड़ा जश्न मनाया जाना है, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी का दौर शुरू होना है, क्योंकि ये जो तमाम बच्चे हैं जो टॉपर्स बने हैं वो अलग अलग शहरों से हैं, क्योंकि पूरे देश के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। मेडिकल का हब है, मेडिकल की फैक्ट्री कोटा को कहा जाता है, और वो फैक्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता, बेहतर नतीजे कोटा से मिलते हैं और वो नतीजे फिर जब एक बार आए हैं तो उसने
आतिशबाजी चलाने का मौका दिया है, ढोल नगाड़े बजाने का मौका दिया है, जश्न मनाने का मौका दिया है। टॉप 10 में 6 रैंक अपने आप में कम नहीं होती। ये आंकड़े कोटा की बादशाहत को बताते हैं कि कोटा कोचिंग का सिरमौर है। इस वक्त हम एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ में। सर, कहा जा सकता है कि नतीजे कोटा के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि टॉप 10 में 6 स्टूडेंट, टॉप 100 में अब तक 52, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी बच्चों के रिजल्ट हम चेक कर रहे हैं। बच्चों के रिजल्ट के लिए हमें उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके फिर रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, तो समय लगता है, अभी काफी समय लगेगा पूरा रिजल्ट एनालाइज करने में। हाँ, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें 100 में से 52 बच्चे एलन से हैं। कितने और बच्चे हो सकते हैं? टॉप 100 में 52 हो गए, टॉप 500 की अगर कैलकुलेशन करें तो ये कहाँ जाएगी, और टॉप 1000 की कैलकुलेशन करें तो ये कहाँ जाएगा? सर, ये कोई इसमें प्री ऑक्यूपाइड रिजल्ट नहीं होता, आप धीरे धीरे रिजल्ट चेक करेंगे तभी बता सकते हैं, इसका पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल है। पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 13 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन बच्चों में हमारे एलन के बच्चों का रिजल्ट इतनी जल्दी बताना बहुत मुश्किल रहेगा। सर, मैं प्रिंस चौधरी के बारे में जानना चाहूंगा। प्रिंस किस तरह से तैयारी कर रहा था? एक छोटे से गांव से प्रिंस था जिसका टॉप टेन में जो 5th रैंक उसने हासिल की, ये गौरव सर मेरे साथ में, गौरव जी, टॉप 10 में 5 रैंक पर जो प्रिंस ने अपनी जगह बनाई है, छोटे से गांव से था, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था, उसके बारे में हमें बताएं। प्रिंस ने हमेशा एलएन के सिस्टम को फॉलो किया, एलएन के जो भी कहा गया टीचर्स ने उसको 100% फॉलो किया, और उसी रीजन से उसका धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होता गया, और लास्ट में जाकर वो हमेशा टॉप रैंक बना रहा, और उसी रीजन से उसकी रैंक अच्छी आ गई। थैंक यू। किस तरह से देखते हैं सर इन नतीजों को? कोटा की कोचिंग अपने आप में फिर सर्वश्रेष्ठ साबित हुई? नहीं, कोटा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए कोटा का जो माहौल है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल देते हैं टीचर्स, जो यहाँ के लोग हैं निवासी हैं वो भी बहुत अच्छा माहौल स्टूडेंट्स को देते हैं, तो काफी अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर पाते हैं इन माहौल की वजह से। सर, इन नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया? नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 56% गर्ल्स हैं, 44% बॉयज हैं। देखिए संजय, ये बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो कहीं ना कहीं कोटा में साकार हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हिमांशु, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, ये सभी टीचर्स हैं, और अगर नतीजे तो पूरी तरह जी हिमांशु, अगर 13 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं उसमें से अगर टॉप 100 की बात की जाए तो 52-53 बच्चे सिर्फ कोटा के एलन कोचिंग सेंटर से आते हैं, टॉप 10 में 6 बच्चे ऐसे हैं जो कोटा से आते हैं। आखिर यहां पर ऐसी क्या एक तरह से कह सके कि घुट्टी पिलाई जाती है मेडिकल को लेकर कि वाकई में यहां के बच्चे इतने होनहार हो जाते हैं? वो पढ़ाई का तरीका क्या है, वो शेड्यूल क्या है, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, वो जानना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल। बहुत वाजिब सवाल है गौरव। संजय, देखिए ये नतीजे जो हैं वो टॉप 10 में 6 स्टूडेंट, टॉप 100 में 52 बच्चे, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है, ऐसा कौन सा नुस्खा बताया जाता है जो नतीजे कोटा के पक्ष में जाते हैं, और एक तरफ पूरा देश एक तरफ कोटा, अपने आप में ये नतीजे बहुत हद तक कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है, सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि आखिर कोटा ही हमेशा नंबर 1। ऐसे कोई घुट्टी उट्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ सतत प्रयास टीचर्स का रहता है, और कोटा के लोग अच्छा वातावरण अच्छा माहौल बच्चों के लिए देते हैं। पढ़ाई का एक माहौल अच्छा हो और पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे हों और सिस्टम अच्छा हो तो हमारा मानना है रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा, जो अभी ऑल इंडिया PMT नीट का रिजल्ट आया है इसमें राजस्थान का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। राजस्थान में जितने बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया उसमें से 75% बच्चे क्वालिफाई कर गए, जबकि पूरे हिंदुस्तान का ये रिजल्ट लगभग 55% के आसपास का रहा है, उसमें से राजस्थान 75% है, तो एक अच्छी बात राजस्थान के लिए भी यही है। सर, मैं ये कहूँ कोटा की आबो हवाई ऐसी है जो बेहतर नतीजे देती है? बिल्कुल, हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर है। टीचर, चंबल का पानी भी है सर? चंबल का पानी भी है। हाँ। चंबल का पानी भी है, चंबल के पानी की तासीर ऐसी है कि रैंक तो आनी ही आनी है। सर, इन नतीजों के पीछे कोटा का क्या योगदान रहता है, क्योंकि पूरे देश भर से बच्चे आते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे आते हैं, और ऐसे में जो नतीजे आते हैं उनमें 50% से ज्यादा कोटा का कब्जा रहता है, एक तरफ पूरा देश और एक तरफ कोटा। इसमें कोटा कोचिंग का बहुत अच्छा रोल रहा है, इसके अलावा कोटा के निवासी हैं वो अच्छी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देते हैं, और कोटा के जो टीचर्स हैं वो अपने आप में काफी सक्षम हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी अच्छा माहौल देते हैं, प्रैक्टिस देते हैं रियल एग्जाम की, जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस रियल एग्जाम में करते हैं और रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं।
सर मैं संजय भाई एक सवाल यहाँ के जो टीचर्स से भी लूंगा कि आखिर वो बच्चों को किस तरह से शुरुआत से ही आइडेंटिफाई करते हैं। सर आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, किस तरह का अलग फोकस आपका होता है उन बच्चों पर, किस तरह से मेहनत करते हैं वो बताएं। हम बच्चों के कंटिन्यूसली माइंड टेस्ट लेते हैं, माइंड टेस्ट में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको आगे स्क्रीन टेस्ट करते हैं, उसी स्क्रीन के बेसिस पे हम उसकी बच्चे की पर्सनल केयर करते हैं, हर बच्चे की प्रॉपर पर्सनल केयर करते हैं और उसको चेक करके आगे बढ़ाते हैं। सर ऐसा कुछ स्पेशल जो बच्चों पर किस तरह से मेहनत यहाँ पर की जाती है ताकि और यहाँ पर कुछ अलग होता है, उस तरह की चीज़ें हमें बताएं। यहाँ काफ़ी कुछ अलग है, पूरे देश से अलग माहौल यहाँ पर बच्चों को मिलता है, स्टडी के अकॉर्डिंग भी और पर्सनल केयर के अकॉर्डिंग भी। हम एक एक बच्चे की केयर करते हैं, 1-to-1 बच्चे को हम अपना बच्चा मानते हैं। वाकई हिमांशु जो ये अध्यापक बता रहे हैं, जो ये टीचर्स बता रहे हैं, ऐसे भी होते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी भी मेहनत एक कंटिन्यू और लगातार कहा जा सकता है शेड्यूल तैयार होता है जिसके बलबूते एक चेन बनती जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि साल दो साल की मेहनत के बाद ये बच्चे वाकई में तपकर सोना बनकर निकलते हैं और यही कारण है कि नीट में ये परिणाम इस बार भी दिखाई दिया है। शुक्रिया।